तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए लेटेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। ये जो वीडियो है आप लोग के उर्दू फॉर बिगनर्स यानी कि UFB का पार्ट 19 है, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं दो अक्षर से मिलकर बने ए मात्रा वाले उर्दू के शब्द। और इसीलिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। ए मात्रा वाले उर्दू के शब्द हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और पार्ट 18 तक की वीडियो में मैं आप लोग को जो कुछ भी समझा चुकी हूँ, जो कुछ भी उर्दू में सिखा चुकी हूँ, अगर आप पार्ट 18 तक की वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किए हैं, तो ये वीडियो में जो कुछ भी आप लोग सीखेंगे ना, वो आप लोगों के लिए एकदम हलवा लगने वाला है, ठीक। हर एक चीज़ आप लोग के डायरेक्ट माइंड में घुसेगा, ठीक है। अगर आप लोग पार्ट 18 तक की वीडियो को नहीं देखे हैं, नहीं प्रैक्टिस किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तो भी समझ में आएगा, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए, दो अक्षर से मिलकर बने ए मात्रा वाले शब्दों को मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख दी हूँ। अब देखिए, अब आप हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि अलिफ के, ये है अलिफ, अलिफ के ऊपर ज़बर लगा दिया जाता है, तो अलिफ़ के ऊपर ज़बर लगकर ये अ पढ़ा जाता है, ये तो आप लोग पहले से जानते हैं। अलिफ़ के ऊपर मद लगा दिया जाता है तो ये आ पढ़ा जाता है, ये तो आप लोग पहले से जानते हैं, क्योंकि मैं पार्ट 18 तक के वीडियो में ये सारा सब कुछ बता चुकी हूँ, ठीक है। और अलिफ़ के नीचे ज़ेर लगा दिया जाता है तो ये छोटी पढ़ा जाता है, और अलिफ़ के नीचे ज़ेर के साथ साथ छोटी ये जोड़ दिया जाता है तो ये बड़ी पढ़ा जाता है। अलिफ़ के ऊपर पेश लगाया जाता है तो ये छोटा ऊ पढ़ा जाता है, और अलिफ़ के ऊपर पेश के साथ साथ वाव जोड़ दिया जाता है तो ये बड़ा ऊ पढ़ा जाता है। ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को पार्ट 18 तक के वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। अब बात आती है कि ए को उर्दू में कैसे लिखेंगे। अ आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इतना तो आप लोग जान गए। अब ए को उर्दू में कैसे लिखेंगे, तो देखिए, अलिफ़ के नीचे ज़ेर लगा दीजिए और उसके साथ साथ इसमें बड़ी ये जोड़ दीजिए। देखिए, ये है आप लोगों का छोटी ये और ये है बड़ी ये, तो अलिफ़ के नीचे ज़ेर और बड़ी ये जुड़कर ये हो गया आप लोगों का ए। इसको पढ़ेंगे आप लोग ए, ठीक। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है कि उर्दू का कोई भी अक्षर, अलिफ़ से लेकर बड़ी ए तक उर्दू का कोई भी लेटर उठा लो, अगर उसको ए की मात्रा में बदलना है तो हम लोगों को क्या करना होगा। इसको तो आप आराम से ए पढ़ लेंगे, अलिफ़ के नीचे ज़ेर है, बड़ी ए जुड़ गया तो ये ए पढ़ा जाने लगा। लेकिन उर्दू का मतलब जितना भी अक्षर है अलिफ़ से लेकर बड़ी ए में, जितना भी हर्फ है, अगर उसको ए की मात्रा में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल उस अक्षर के नीचे भी क्या करेंगे आप लोग, ज़ेर लगा देंगे और उसमें बड़ी ए जोड़ देंगे, तो वो भी ए की मात्रा में बदल जाएगा। देखिए, एग्ज़ाम्पल लेकर आप लोग को समझाती हूँ। मान लीजिए सीन है, ये सीन, सीन से सा होता है ना, इसको से बदलना है, इसको सीन से यानी कि ए की मात्रा में बदलना है, से इसको बनाना है, तो आप लोग क्या करेंगे, जिस तरह यहाँ पर अलिफ़ के नीचे ज़ेर लगाकर बड़ी ये जोड़ रहे थे, उसी तरह सीन से बनाने के लिए इस सीन के नीचे आप लोग ज़ेर लगाएंगे और इसमें बड़ी ये जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये से की मात्रा में बदल जाएगा। अभी ये जुड़ा नहीं है, आप इन दोनों को जोड़िए तभी ना आप इसको से पढ़ेंगे, अभी ये एक दूसरे से अलग अलग है। इन दोनों को जोड़िए, और जोड़ने के लिए क्या करते हैं, मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सीन का आधा भाग उठा लेना है, ये आधा भाग कट जाता है और ये जो नोकीदार पार्ट है इसको उठा लिया जाता है, तो उठा लीजिए, ये हो गया सीन, सीन के नीचे क्या है, ज़ेर है, और उसके बाद से ये जो बड़ी ये है, पूरा का पूरा बड़ी ये ले जाकर इसी सीन में जोड़ देना है ऐसे। तो देखिए, सीन के नीचे ज़ेर और बड़ी ये जुड़कर ये हो गया आप लोगों का से, ठीक है। तो इस तरह आप लोग को करना है। एक और एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, दाल, दाल से द होता है, अगर इसको दे बनाना है, दे, तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपल मैं आप लोग को अभी बताइए ना कि उस अक्षर के, किसी भी अक्षर को अगर एक ही मात्रा में बदलना है तो उस अक्षर के नीचे ज़ेर लगा दो और उसके बाद से बड़ी ये इसमें जोड़ दो, ठीक है, तो वो एक ही मात्रा में बदल जाएगा। अब ये एक दूसरे से जुड़ा नहीं है, जोड़िए एक दूसरे से, दाल ले लीजिए, ठीक है, और दाल के नीचे क्या है, ज़ेर है, और ये बड़ी जो है ना, इसको ले जाकर दाल में ऐसे चिपका दीजिए, ठीक है, ये हो गया दाल के नीचे ज़ेर और बड़ी ये जुड़कर दे, सिंपल। अब देखिए, मैं आप लोग को क्या बताई हूँ, किसी भी अक्षर के नीचे ज़बर, ज़ेर, पेश वगैरह नहीं लिखा जाता है, तो ये सीन के नीचे क्या है, ज़ेर है, इसको मिटा देंगे, ऐसा मन में मानेंगे कि इसके नीचे क्या है, ज़ेर है, दिखाया नहीं जाता है। सीन के नीचे ज़ेर और बड़ी ये जुड़कर ये से है, दाल के नीचे ज़ेर और बड़ी ये जुड़कर ये दे है, बस लिखना नहीं है आप लोगों को ज़ेर, ठीक, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक। अब मैं इसको मिटा दूँ। अब आगे देखिए, देखिए आप लोग जानते हैं कि छोटी ये जो है, छोटी ये कौन है बताइए, तो आप लोग जानते हैं कि ये जो छोटी ये है, दूसरे अक्षर, दूसरे हर्फ में जुड़ती है तो ये अपना शक्ल चेंज कर लेती है, और शक्ल चेंज करके कैसा रूप ले लेती है, तो ये जो छोटी ये है अपना शक्ल चेंज करके ऐसा रूप ले लेती है, ये
इस तरह अपना शक्ल बना लेती है। ये आप लोग पहले से ही जानते हैं और मैं आप लोग को कितना बार बताई हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक, यहाँ पर जो आप लोग को नई बात सीखनी है ना वो ये है कि ये जो बड़ी ये है ना, ये भी किसी दूसरे अक्षर में जुड़ती है ना, किसी दूसरे हर्फ में जुड़ती है, तो ये भी अपना शक्ल चेंज कर लेती है और बिल्कुल वैसा ही रूप ले लेती है जिस तरह की छोटी है। यानी कि बड़ी ये भी जो है ना, ये भी दूसरे अक्षर में जुड़ती है तो ये भी अपना शक्ल ऐसे बना लेती है, दोनों एक ही जैसा शक्ल कर बना लेती है लोग ये लोग। ठीक है, तो अब आप लोग बोलेंगे कि मैम ये आप क्या बोल रही हैं, दोनों एक ही जैसा शक्ल बना लेती है तो फिर हम लोग को मालूम कैसे चलेगा कि कौन छोटी है और कौन बड़ी है, दोनों तो एक ही जैसे दिख रही है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर एक सिर्फ ये लिख दूँ इस तरह, तो आप लोग को कैसे मालूम इसको आप लोग क्या पढ़ेंगे, छोटी ये पढ़ेंगे कि बड़ी ये पढ़ेंगे, हम लोग को मालूम कैसे चलेगा कि ये छोटी है कि बड़ी है। ठीक है, इसको समझने के लिए ना पहले मैं इसको उर्दू में लिखती हूँ। ठीक, पहला जो शब्द है एक, इसको पहले उर्दू में लिखकर और तब समझाती हूँ कि आखिर ये कैसे मालूम चलेगा कि ये छोटी ये पढ़े कि इसको बड़ी ये पढ़े। देखिए, पहला जो शब्द है वो है एक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, एक में जो सबसे पहला अक्षर है वो है ए। तो ए को उर्दू में कैसे लिखते हैं मैं आप लोग को अभी बताई ना, अलिफ़ के नीचे ज़ेर लगा देना है और बड़ी ये जोड़ देना है तो वो ए पढ़ा जाने लगेगा। तो आप भी यहाँ पर क्या करें, ए लिखने के लिए उर्दू में अलिफ़ के नीचे ज़ेर लगा दीजिए और प्लस इसमें बड़ी ये जोड़ दीजिए। ठीक, और उसके बाद से लास्ट वाला अक्षर क्या है, क। क को उर्दू में काफ़ कहते हैं। अब आप तीनों को जोड़िए क्योंकि एक दूसरे से अभी जुड़ा कहाँ है, अभी जोड़ना बाकी है, तो जोड़िए तभी तो एक लिख पाएंगे ना आप लोग। तो जोड़ने के लिए जिस तरह ये अलिफ़ लिखा है उसी तरह लिख दीजिए, ये अलिफ हो गया, अलिफ़ के नीचे क्या है, ज़ेर है, तो आप भी ज़ेर लिख दीजिए। लेकिन मैं आप लोग को क्या बताई हूँ कि ज़बर ज़ेर पेश वगैरह नहीं लिखा जाता है, ऐसा मन में बाना जाता है कि इसके नीचे क्या है, ज़ेर है, और ज़ेर मिटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, ऐसे मन में मानेंगे कि अलिफ़ के नीचे क्या है, ज़ेर है। ठीक, और उसके बाद से बड़ी ये ले लीजिए। अब मैं आप लोग को अभी बताई ना कि बड़ी ये जो है किसी दूसरे अक्षर किसी दूसरे हर्फ में जुड़ती है तो अपना शक्ल चेंज करके ऐसे रूप ले लेती है, तो यहाँ पर भी जो है ना बड़ी ये अपना शक्ल चेंज करेगी और इसी तरह का रूप ले लेगी। देखिए, ठीक हो गई बड़ी ये, और ये जो काफ है पूरा का पूरा काफ ले जाकर यहाँ पर ऐसे रख दीजिए, अलिफ के नीचे ज़ेर और बड़ी ये जुड़कर ए और काफ से का, ये हो गया आप लोगों का एक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आप लोगों को ये कंफ्यूजन क्लियर करती हूँ कि कब इसको छोटी है और कब इसको बड़ी ये पढ़ेंगे। देखिए, दोनों एक ही जैसा दिख रहा है ना, दोनों एक ही जैसा दिख रहा है ना, तो हम इस ये को छोटी ये भी तो पढ़ सकते हैं और बड़ी ये भी तो पढ़ सकते हैं ना, यही ना है आप लोगों के पास डाउट, यही ना है कंफ्यूजन। तो जी बिल्कुल, आप इसको छोटी ये भी पढ़ सकते हैं और बड़ी ये भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़कर तो देखिए। देखिए, जब इस ये को बड़ी ये मान रहे थे तो अलिफ़ के नीचे ज़ेर और बड़ी ये जुड़कर ये हो जा रहा था ए और काफ से का, इसको एक पढ़ ले रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको छोटी ये पढ़कर देखिए, अलिफ़ के नीचे ज़ेर और इस ये को जब आप छोटी ये पढ़ रहे हैं, छोटी ये मान रहे हैं, तो अलिफ़ के नीचे ज़ेर और छोटी ये जुड़कर क्या बनता है, बड़ी ई बन जाता है। अलिफ के नीचे ज़ेर और छोटी ये मिलकर क्या हो जाएगा, ई, बड़ी ई, और काफ से क, तो ये पढ़ा जाएगा ईक। तो आप लोग सोचिए अपने माइंड से कि क्या ईक का कोई मतलब होता है, तो बिल्कुल नहीं, ईक का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं होता है। छोटी ई और क रहेगा, ईक का तो एक मान सकते हैं, उसका अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी ई है और क है, ईक का तो कोई मतलब ही नहीं समझ में आता है। तो इसीलिए आप लोग इसको ईक नहीं पढ़ेंगे और इस ये को आप लोग छोटी ये मानने के बजाय इस ये को आप बड़ी ये पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप इसको बड़ी ये मान रहे हैं ना, तो अलिफ़ के नीचे ज़ेर और बड़ी ये जुड़कर ए और काफ से का एक पढ़ा जा रहा है, और एक का अर्थ, एक का मतलब समझ में आता है कि हाँ, वन, एक कोई सामान, एक कोई चीज़ है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, मतलब इस दुनिया का कोई भी उर्दू का शब्द ले लीजिए, उसमें इस तरह का ये है, और आप लोगों को मालूम करना है कि हम उसको क्या पढ़ें, छोटी ये पढ़ें कि बड़ी ये पढ़ें, तो आप दोनों पढ़कर देखिए। छोटी ये पढ़ने से अगर उस शब्द का अर्थ समझ में आ जाता है, मीनिंग समझ में आ जाती है, तो आप उसको छोटी ये ही पढ़िए, बड़ी ये मत पढ़िए। अगर आप बड़ी ये पढ़ रहे हैं और बड़ी ये पढ़ने से उस शब्द का अर्थ समझ में आ जाता है, मीनिंग समझ में आ जाती है, तो आप उसको बड़ी ये ही पढ़िए, छोटी ये छोड़ दीजिए। ठीक, तो इस तरह अपने सेंस का यूज़ किया जाता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसको अगर छोटी भी पढ़ो ना तो उसका मतलब समझ में आता है, और बड़ी भी पढ़ो तो भी उस शब्द का मतलब समझ में आता है। एग्जांपल देकर मैं आप लोग को समझाती हूँ, जैसे कि देखिए, एग्जांपल देती हूँ, ये देखिए, ये बताइए तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, मीम के नीचे ज़ेर है,
कमेंट में बताइए अगर आप लोग पढ़ पा रहे हैं, तो नहीं भी पढ़ पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आप लोग सीख रहे हैं। मीम के नीचे जेर है और मीम में ये जुड़ा हुआ है और हमें मालूम नहीं है कि इस ये को क्या पढ़े, छोटी ये पढ़े कि बड़ी ये पढ़े। तो आप लोग को मैं अभी क्या बताई, दोनों पढ़कर देखिए, पहले इस ये को छोटी ये पढ़कर देखिए। तो मीम के नीचे जेर और छोटी ये जुड़कर क्या होता है, मी, क्योंकि जिस भी अक्षर के नीचे जेर और उसमें छोटी ये जुड़ी रहती है ना, तो वो ई की मात्रा में बदल जाती है। तो मीम के नीचे जेर, और अगर आप इस ये को छोटी ये मान रहे हैं तो मीम के नीचे जेर और छोटी ये जुड़कर मी हो जाएगा और उसके बाद से लाम से ला, तो ये क्या पढ़ाएगा, मील पढ़ाएगा। अब सोचिए कि मील का अर्थ होता है, मील जो शब्द बना है इसका कोई मीनिंग अर्थ निकलता है, तो जी बिल्कुल निकलता है। मील का मतलब होता है फैक्ट्री, चावल की मील, दाल की मील, चीनी की मील, ठीक। तो हाँ, इसको आप मील पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मील का मतलब होता है, ठीक। अब इस ये को बड़ी ये पढ़कर देखिए, मीम के नीचे जेर, और जब इस ये को बड़ी ये पढ़ेंगे तो मैं आप लोग को अभी क्या बताई, किसी भी अक्षर के नीचे जेर लगा दो और उसमें बड़ी ये जोड़ दो तो वो अक्षर जो है ना एक ही मात्रा में बदल जाता है। तो यहाँ पर मीम के नीचे जेर और इस ये को बड़ी ये मान रहे हैं, तो मीम के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर ये हो जाएगा मे और लाम से ला, ये क्या पढ़ा जाएगा, मेल। तो अब सोचिए कि मेल का कोई मतलब होता है, तो जी बिल्कुल होता है, मेल का भी मतलब होता है कॉम्बिनेशन, ये उससे मेल नहीं हो पा रहा है, ठीक। तो हाँ, आप इसको मेल भी पढ़ सकते हैं। तो देख रहे हैं, इसी शब्द को, इसी उर्दू के शब्द को आप मील भी पढ़ सकते हैं और मेल भी पढ़ सकते हैं। तो अब आप लोग हमसे पूछेंगे कि हम लोग इसको कब मील पढ़ेंगे और कब मेल पढ़ेंगे, तो देखिए इसका आंसर है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि कब आप मील पढ़ेंगे और कब मेल पढ़ेंगे। अगर मेल बोलने की सिचुएशन हो, स्थिति कंडीशन हो कि ये इससे मेल नहीं हो पा रहा है, तब उस वक्त आप इसको मेल ही पढ़िए। मील क्यों पढ़ेंगे, ये इससे मेल नहीं हो पा रहा है, तब उस वक्त आप इसको मेल पढ़ेंगे। और जब अगर मील बोलने की सिचुएशन हो कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर चीनी की मील, तो आप इसको मील ही ना पढ़ेंगे, मेल थोड़ो ना पढ़ेंगे, चीनी की मील है, चीनी की मेल थोड़ो ना होता है, चीनी की मील होती है, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों को कोई भी शब्द को क्या पढ़ा जाए, ये सिचुएशन कंडीशन पर डिपेंड करता है, ठीक। जैसे कि एग्जांपल लेकर समझाती हूँ, देखिए बताइए तो जरा इसको क्या पढ़ा जाएगा, चावल, ये मुझे बताना नहीं था, पढ़ना नहीं था, आइए आप लोग बताएंगे, यहाँ ठीक है। तो ये है आप लोगों का वाक्य, बताइए तो इसको क्या पढ़ा जाएगा। ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ उसी में से पूछ रही हूँ। काफ से क होता है और ये है चे, और चे में एच यानी कि है जुड़ा हुआ है, जिस तरह सी एच से च और सी एच में एक और एच जोड़ देते हैं सी डबल एच से छ, उसी तरह चे से च और चे में एच यानी कि है जुड़ा है, तो ये छ पढ़ा जाएगा, ठीक। तो काफ से क और ये छ है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, काफ के ऊपर जबर रखकर देखिए, तो काफ के ऊपर जब जबर रखेंगे तो क और छ, कच्छ का कोई मतलब होता है, तो नहीं होता है, तो इसको भी हटाइए। काफ के नीचे जेर रखकर देखिए, तो की और छ, किछ का भी कोई मतलब समझ में आता है, नहीं आता है, तो इसको भी छोड़िए। काफ के ऊपर पेश रखकर देखिए, तो काफ के ऊपर जब पेश रखेंगे तो कु और छ, तो कुछ पढ़ा जाएगा, हाँ कुछ का मतलब समझ में आता है, तो इसको कुछ पढ़ेंगे। दाल में वाव और पेश जुड़कर दू, और रे में, रे के नीचे जेर है और ये जुड़कर री, तो कुछ दूरी, कुछ दूरी, पे से प और रे से रा, तो पर, कुछ दूरी पर, चे में अलिफ जुड़कर चा, वाव से वा और लाम से ला, चावल। देखिए जिस तरह मैं मात्रा मिलाकर पढ़ रही हूँ ना, उसी तरह आप लोगों को भी किसी भी उर्दू के शब्द को मात्रा मिलाकर पढ़ना है, इसी तरह पढ़ा जाता है, ठीक। और काफ में ये जुड़कर की, तो कुछ दूरी पर चावल की। अब ये जो ये है, अगर इस ये को हम लोग बड़ी ये पढ़ेंगे तो कैसा लगेगा, मीम के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर मे और लाम से ला, मेल। तो पढ़िए तो कुछ दूरी पर चावल की मेल है, अर्थ समझ में आ रहा है, नहीं, ये आप लोगों के माइंड में खुद हंट करेगा कि ये मेल नहीं, यहाँ पर मील होनी चाहिए, आप लोगों को खुद समझ में आएगा, ठीक है। और है तो कुछ दूरी पर, इसको मेल पढ़ने के बजाय हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस ये को छोटी ये मानेंगे और इसको मील पढ़ेंगे, तो कुछ दूरी पर चावल की मील है। तो आप लोगों को कैसे मालूम चला कि यहाँ पर मेल नहीं पढ़ा जाना चाहिए, इसको मील पढ़ना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन ये पहले वाले लफ्ज़ों से मालूम चला, क्योंकि कुछ दूरी पर, ये मील के पहले ये इतने सारे लफ्ज़, इतने सारे वर्ड लिखे थे, तभी तो आप लोगों को मालूम चला ना कि इसको मेल नहीं, इसको मील पढ़ना चाहिए, ठीक। कुछ दूरी पर चावल की मील है, ठीक। तो इस तरह आगे पीछे आने वाले शब्दों से अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस शब्द को हम लोग कब क्या पढ़ेंगे, या फिर कंडीशन के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाता है, स्थिति के, स्थिति पर डिपेंड करता है। जैसे कि एक और एग्जांपल देकर समझाती हूँ, बताइए ये क्या पढ़ा जाएगा, ठीक। देखिए ये रे से रा होता है, और रे, और ये है ये, रे के नीचे जेर है और ये है ये, हमें नहीं मालूम है कि ये कौन सा ये है, क्योंकि ये छोटी ये भी हो सकती है, बड़ी ये भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम इस ये को छोटी ये मानकर देखते हैं, तो रे के नीचे जेर और छोटी ये, रे के नीचे जेर और छोटी ये जुड़कर री और लाम से ला, ये क्या पढ़ा जाएगा, रील, और उसके बाद से गाफ में अलिफ जुड़कर गा और रे में ये जुड़कर री, तो रील गाड़ी। तो रील गाड़ी का कुछ मतलब समझ में आता है,
नहीं समझ में आता है। यहाँ पर आप लोग के माइंड में खुद खटका होगा कि रेल गाड़ी थोड़ा ना होता है, रेल गाड़ी होता है। अच्छा, यानी कि छोटी ये यहाँ पर नहीं रहेगा, इस ये को यहाँ पर हम लोग बड़ी ये मानेंगे। रे के नीचे जेर और इस ये को जब बड़ी ये मानेंगे तो रे के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर रे और लाम से रेल और गाफ में लिप जुड़कर गाड़े में ये जुड़कर ही तो रेल गाड़ी। हाँ, इसको रेल गाड़ी पढ़ा जाएगा। तो ये देखिए, कोई भी शब्द को क्या पढ़ा जाए आगे पीछे आने वाले शब्दों पर डिपेंड करता है, नहीं तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर ये गाड़ी नहीं रहता तो आप इसको रेल रेल भी पढ़ सकते थे, रेल भी पढ़ सकते हैं। और जैसे ही मैं आगे गाड़ी लगा दी तो ये जो है ना सिर्फ इसको आप रेल पढ़ेंगे। तो आप लोग को एक चीज़ मालूम चल गया कि ये जो है ना रेल पढ़ा जाएगा, क्योंकि आगे क्या लग गया था, गाड़ी लग गया था। ठीक, तो इस तरह आगे पीछे आने वाले शब्दों से अंदाज़ा लगाया जाता है कि किसी भी शब्द को हम लोग क्या पढ़ें। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ तक तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, हर एक चीज़, हर एक डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए हम लोग ये सभी शब्दों को एक एक करके उर्दू में लिखना और पढ़ना सीखते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए फटाफट। तो देखिए, अगला जो शब्द है वो है नेक। नेक को उर्दू में कैसे लिखेंगे? तो देखिए, नेक में जो सबसे पहला अक्षर है वो है ने। तो सोचिए, नौ को उर्दू में क्या कहते हैं? नौ को उर्दू में नून कहते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए नून, नून से न हो गया। ठीक है, अब हम लोग फटाफट करेंगे क्योंकि ए की मात्रा में बदलना तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, सिर्फ जेड लगाकर और बड़ी ये जोड़ देना है, ए की मात्रा में बदल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर नून से तो न हो गया, ने बनाने के लिए यानी कि ए की मात्रा में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नून के नीचे जेड लगा देंगे और इसमें बड़ी ये जोड़ देंगे तो ये ने हो जाएगा। उसके बाद से क है, क को उर्दू में काफ कहते हैं। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दीजिए, आराम से नेक आप लोग लिख पाएंगे। देखिए, नून का आधा भाग उठाना है, उठा लीजिए, ये हो गया आप लोगों का नून से ना। नून के नीचे क्या है, जेर है, लेकिन हम लोग जेर लिखेंगे नहीं लिखेंगे, ऐसा मन में मानेंगे कि नून के नीचे क्या है, जेर है। ठीक, और उसके बाद से ये जो बड़ी है, आप लोग को अभी बताइए ना, बड़ी ये अपना शक्ल चेंज करके कैसा रूप ले लेती है, तो ऐसा रूप ले लेती है। तो चलिए, यहाँ पर भी जो है बड़ी ये अपना शक्ल चेंज करके ऐसा रूप ले लेगी। देखिए, नून में जेर और बड़ी ये जुड़कर ने, और ये जो काफ है पूरा का पूरा ऐसे आकर जुड़ जाएगा। तो देखिए, नून में जेर और बड़ी ये जुड़कर ने और काफ से का नेक, ये हो गया आप लोगों का नेक। ठीक, आप इसको नेकी भी बना सकते हैं, सिर्फ इस काफ का आधा भाग काट कर और इसमें ये जोड़ देते तो ये नेकी भी लिखा जाता। तो इसी शब्द को आप नेक भी पढ़ सकते हैं और इसमें ये जोड़ देंगे तो नेकी भी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब आगे बढ़िए। अगला जो शब्द है वो है देश। देश में जो सबसे पहला अक्षर है वो है दे। द को उर्दू में क्या कहते हैं? तो दाल कहते हैं। दे बनाने के लिए दाल के नीचे जेर जोड़ेंगे और इसमें बड़ी ये जोड़ देंगे, दे हो जाएगा। उसके बाद तलाबे शाह है, ये शाह है, तो इस शाह को उर्दू में क्या कहते हैं? शीन कहते हैं, ये बड़ी शीन। ठीक, अब इन सबको जोड़ दीजिए, देश भी आप लोग लिख लेंगे आराम से। देखिए, एक चीज़ आप लोग समझ गए ना तो फटाफट आप लोग कर सकते हैं, एकदम ये एकदम हलवा लगने वाला है आप लोगों के लिए। अब फटाफट आप लोग खुद से भी, मेरे बनाने से पहले आप लोग खुद कॉपी पर लिख कर देखिए और फिर मुझसे मिलाइए, आप लोग का सही हो रहा है कि नहीं, एकदम 100% सही होगा। ठीक, आगे देखिए, तो अब इन तीनों को जोड़िए। दाल जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए, दाल के नीचे जेर है लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं। और उसके बाद से ये जो ये है अभी जो है ना, ये बड़ी ये अपना शक्ल चेंज करेगी और ऐसा रूप ले लेगी, और ये जो शीन है पूरा का पूरा शीन यहाँ पर आकर ऐसे हो जाएगी। ठीक, तो देखिए, दाल के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर दे और शीन से शाह, ये हो गया आप लोग का देश। कितना आसानी से आप लोग देश लिख लिए। ठीक, आगे बढ़िए। सेब, सेब में जो सबसे पहला अक्षर है से है, यानी कि सौ उर्दू में क्या कहते हैं? सौ उर्दू में सीन कहते हैं। देखिए, ये सिर्फ डंटी वाला सौ है। ठीक, यहाँ पर तलाबे सौ को ये बड़ी सीन बोल रहे थे, लेकिन ये वाले सौ को ये छोटी सीन बोलेंगे, तो ये हो गया सीन से सौ। लेकिन से बनाने के लिए नीचे जेर जोड़ देंगे और बड़ी ये लगा देंगे, हो गया। और उसके बाद से बौक उर्दू में बे कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए, आसानी से आप लोग सेब भी लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए, सीन का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, ये हो गया आप लोगों का सीन का आधा भाग। सीन के नीचे क्या है? जेर है, और ये जो ये है अपना शक्ल चेंज करेगा और इस तरह बदल लेगा अपना शक्ल, और ये जो बे है पूरा का पूरा आकर लास्ट में जुड़ जाएगा। तो से और ब, ये हो गया आप लोगों का सेव। देखिए, कितना आसान है, बस आप लोगों को एक चीज़ सीखना है कि ए की मात्रा में कैसे बदले, बाकी धड़ाधड़ आप लोग सारा चीज़ जो है ना उर्दू में लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, सेव भी लिख लिया। और उसके बाद से अगला जो शब्द है वो है जेल। जौ उर्दू में क्या कहते हैं? जौ उर्दू में जिम कहते हैं। जिम से तो जौ हो गया, जे बनाने के लिए जेर लगाकर और इसमें बड़ी ये जोड़ देंगे। उसके बाद से लास्ट वाला अक्षर है लॉ। लॉ उर्दू में क्या कहते हैं? लाम कहते हैं। ठीक, तो अब इन सबको जोड़ दीजिए। जिम का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, ये हो गया जिम का आधा भाग। और जिम के नीचे क्या है? जेर तो है ही है, बस ये जो है ना अपना शक्ल चेंज करेगी और ये जो लाम है पूरा का पूरा ऐसे आकर जुड़ जाएगा। तो जिम के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर जे और लाम से ला, ये हो गया आप लोगों का जेल। सिंपल, आगे बढ़िए। रेल,
रेल में जो सबसे पहला अक्षर है वो है रे। रॉक उर्दू में रे कहते हैं, और रे बनाने के लिए नीचे जेर जोड़ जेर लगा कर और इसमें बड़ी ये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा रे, और ला है, ला उर्दू में लाम कहते हैं। अब इन सबको भी जोड़ दीजिए, देखिए जिस तरह रे लिखा है उसी तरह लिख दीजिए, और ये जो ये है बड़ी ये अपना शक्ल चेंज करेगा और इस तरह कर लेगा, और लाम जो है ना इसी में आकर जुड़ जाएगा। तो रे के नीचे तो ऑलरेडी जेर है, हम लोग लिख नहीं रहे, मन में मानना है सभी में, क्या करना है आप लोगों को, जेर नहीं लिखना है, मन में मानेंगे ठीक। तो रे के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर रे और लाम चला, रेल ठीक। आगे बढ़िए, शेर, शेर को शेर में जो सबसे पहला अक्षर है वो है शे। शौक उर्दू में क्या कहते हैं, बड़ी शीन कहते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए, और उसके बाद से ए है, ए की मात्रा में बदलना है तो शीन के नीचे जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए, शे हो जाएगा, और र है, र को उर्दू में रे कहते हैं। अब फटाफट हम लोग कर रहे हैं ठीक है। तो शीन का आधा भाग उठा लीजिए, ये उठा लिए शीन का आधा भाग, और शीन के नीचे तो जेर है, अब ये जो ये है अपना शक्ल चेंज करेगा और इस तरह अपना रूप बदल लेगा ठीक। तो शीन के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर शे, और ये हो गया आप लोगों का रे जो है इसी में आकर चिपक जाएगा। तो ये शेर देखिए कितना आसानी से लिखा गया, शेर ठीक। आगे बढ़िए, खेत, खेत है में जो है ना सबसे पहला अक्षर वो है खे। खौक उर्दू में क्या कहते हैं, खौक उर्दू में जिस तरह देखिए के से क और के एच से ख होता है ना इंग्लिश में, के से क और के एच से ख, उसी तरह उर्दू में जो है ना काफ से क और काफ में एच यानी कि हे जोड़ देते हैं तो ख होता है। देखिए इस तरह काफ लिखा जाता है ठीक। अब इसी काफ में एच यानी कि ये वाला जो हे है जोड़ देते हैं तो काफ में ये हे जुड़कर ये हो गया ख, और उसके बाद से खे बनाने के लिए इसी के नीचे जेर लगाकर और बड़ी ये जोड़ देंगे, खे हो जाएगा, और त है, त उर्दू में ते कहते हैं तो ते लिख दीजिए यहाँ पर। अब इन सबको जोड़ दीजिए, यहाँ पर जिस तरह ख लिखा है बिल्कुल हु बहू उसी तरह यहाँ पर भी आप लोग ख लिख देंगे ठीक। ख के नीचे तो जेर है, बस ये जो बड़ी ये है इसको लाकर यहाँ पर चिपका दो, अपना शक्ल चेंज कर लेगी बड़ी है और इस तरह शक्ल बना लेगी, और ये जो त है ते इसको भी लाकर चिपका दीजिए इसी ये में ऐसे पूरा का पूरा त ठीक। तो ये हो गया आप लोगों का खे और त, खेत सिंपल ठीक। अब इसको आप खेती भी लिख सकते हैं, बस ये ते का आधा भाग काट कर इसमें ये जोड़ देंगे तो खेती हो जाएगा, इसी खेत को खेती भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब हर एक चीज़ आप लोग सीख रहे हैं, अब ए मात्रा पर आप लोग आ गए हैं तो खुद से भी आप लोग दिमाग सेंस यूज़ कर सकते हैं कि इसको क्या क्या मतलब बना सकते हैं आप लोग खुद से ठीक है। आगे बढ़िए, जेब, जौ को उर्दू में क्या कहते हैं, जौ को उर्दू में जिम कहते हैं, जिम से जौ हो गया, जेब बनाने के लिए जेर जोड़ देंगे और बड़ी ये जोड़ देंगे हो गया, और बौ को उर्दू में बे कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए, जिम का आधा भाग उठा लेना है ऊपर वाला आधा भाग तो उठा लीजिए, जिम का ऊपर वाला आधा भाग, जिम के नीचे क्या है जेर है, और ये जो बड़ी ये है अपना शक्ल चेंज करके ऐसे हो जाएगी, तो जिम के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर जे, और ये जो ब है पूरा का पूरा ले जाकर चिपका दीजिए। तो देखिए जे और ब, जेब, कितना आसानी से आप लोग लिख पा रहे हैं ठीक। उसी तरह जितने भी शब्द हैं ना उसको आसानी से आप लोग लिख पाएंगे। चलिए आगे बढ़िए, खेल है, खेल में सबसे पहला अक्षर खे। खौक उर्दू में, खौक उर्दू में जिस तरह यहाँ पर काफ से क और काफ में एच यानी कि हे जोड़ रहे थे तो ख हो जा रहा था, तो यहाँ पर भी उसी तरह ये हो गया आप लोग का ख। खे बनाने के लिए इस ख के नीचे जेर जोड़ देंगे और बड़ी ये भी लगा देंगे तो ये खे हो जाएगा, उसके बाद से ल है, ल को उर्दू में लाम कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए, देखिए जिस तरह यहाँ पर ख लिखा है उसी तरह आप लोग भी बिल्कुल हु बहू यहाँ पर भी ख लिखेंगे ठीक। ख के नीचे तो जेर है ही है, बस ये जो बड़ी ये है ये अपना शक्ल चेंज कर लेगी और इस तरह अपना शक्ल बना लेगी, तो ख के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर खे, और ये जो लाम है ऐसे ले जाकर चिपका दीजिए, तो ये हो गया आप लोगों का खे और ला, खेल ठीक। आगे बढ़िए, पेंच, पेंच में ऊपर बिंदु है याद रखिएगा, इसको हम लोग पढ़ते हैं न, हिंदी में ना ही पढ़ते हैं ना पेंच, तो देखिए इसको कैसे बदलेंगे उर्दू में। पहले पे को उर्दू में क्या कहते हैं, पौक उर्दू में क्या कहते हैं, पौक उर्दू में पे कहते हैं, ये हो गया, और नीचे जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए तो ये पे ए की मात्रा में बदल जाएगा। उसके बाद से देखिए ये जो बिंदु वाला न है इसको मतलब न को उर्दू में क्या कहते हैं, न को उर्दू में नून कहते हैं, तो इसको भी इस ये जो ना है ना ऊपर बिंदु वाला ना, इसके लिए भी हम लोग उर्दू में नून ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसको हम लोग हिंदी में ना ही पढ़ते हैं, तो न को उर्दू में नून कहते हैं तो नून लिख दीजिए। उसके बाद से च है, च को उर्दू में चे कहते हैं ठीक। अब इन सबको जोड़ दीजिए, देखिए पे का आधा भाग उठा लेना है तो उठा लीजिए, पे के नीचे तो जेर है ही है, बस इसमें ये जो बड़ी ये है अपना शक्ल चेंज करके इस तरह जुड़ जाएगी, तो पे में जेर और बड़ी ये जुड़कर पे, और ये जो नून है देखिए ये नून का भी आधा भाग आप लोग को उठा लेना है इस तरह, तो नून का आधा भाग उठ गया, और इसी में ये जो चे है ये पूरा का पूरा आकर ऐसे जुड़ जाएगी ठीक। तो देखिए ये जो ऊपर वाला बिंदु वाला न था, ऊपर बिंदु वाला न, ये हो गया इसी में जुड़ गया, तो पे के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर पे और नून से न और चे से च, तो ये पढ़ा जाएगा पेंच।
ठीक, इसको क्या पढ़ा जाएगा, पेज। ठीक, अब आगे बढ़िए यहाँ से, अब इसको हम लोग फटाफट करेंगे क्योंकि यहाँ तक तो आप लोग सीख चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, अब इसको हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए, तेल, तेल में सबसे पहला अक्षर ते, तो उर्दू में क्या कहते हैं, ते कहते हैं, ते से त हो गया, नीचे जेर लगाकर और इसमें बड़ी ये जोड़ दीजिए, और उसके बाद से ल है, ल उर्दू में लाम कहते हैं। अब देखिए, ते का आधा भाग उठा लेना है, उठा लिए ते का आधा भाग, उसके बाद से ये जो ते के नीचे जेर तो है ही है, ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके ते में जुड़ जाएगी, ते के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़ कर ते और ये जो लाम है जोड़ दीजिए, तो ये हो गया आप लोगों का तेल। आगे बढ़िए, केक, केक में सबसे पहला अक्षर के है, क उर्दू में काफ कहते हैं, के बनाने के लिए काफ के नीचे जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए, और फिर क्या है, क है, क उर्दू में काफ कहते हैं, अब इन सबको जोड़ दीजिए। काफ का आधा भाग उठा लेना है, उठा लीजिए, काफ के नीचे तो जेर है ही है, बस ये जो बड़ी ये है अपना शक्ल चेंज करके ऐसा ही रूप ले लेगी। ठीक, तो काफ के नीचे जेर और बड़ी जुड़ करके और ये जो है पूरा का पूरा के लिख दीजिए, तो केक। उसी तरह लेट, लेट में सबसे पहला अक्षर ल है, ल उर्दू में क्या कहते हैं, लाम कहते हैं, और लाम के नीचे जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए, ले हो जाएगा, और ट, ट उर्दू में क्या कहते हैं, ट उर्दू में टे कहते हैं, अब इन सबको जोड़ दीजिए। लाम का आधा भाग उठा लेना है, उठा लिए लाम का आधा भाग, उसके बाद से लाम के नीचे जेर है, बस ये जो बड़ी ये है इसी में ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए, तो लाम के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़ कर ले और ये जो पूरा का पूरा टे है ले जाकर ऐसे चिपका दीजिए, तो ये हो गया आप लोगों का लेट। कि अगला शब्द है पेन, पेन में पहला अक्षर क्या है, पे, पॉक उर्दू में क्या कहते हैं, पे कहते हैं, पे के नीचे जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए, उसके बाद से न है, न उर्दू में नून कहते हैं। ठीक, अब देखिए, पे का आधा भाग उठा लेना है, उठा लीजिए, ये हो गया आप लोगों का पे, और पे के नीचे जेर है, बस ये जो बड़ी ये है अपना शक्ल चेंज करके इस तरह रूप ले लेगी और ये जो नून है पूरा का पूरा ले जाकर इसमें जोड़ दीजिए, तो पे के नीचे जेर और बड़ी जुड़कर पे और नून से ना, ये हो गया आप लोगों का पेन। देखिए, इस तरह लिखा जाता है पेन। आगे बढ़िए, शेख, शेख में सबसे पहला अक्षर क्या है, शे, शौक उर्दू में बड़ी शीन कहते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए, और इस शौ को शे बनाने के लिए, एक ही मात्रा में बदलने के लिए जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए, उसके बाद से ख है, ख उर्दू में क्या कहते हैं, खे कहते हैं, तो यहाँ पर खे लिख दीजिए, अब इन सबको जोड़ दीजिए। शीन का आधा भाग उठाया जाता है, तो उठा लीजिए, ये हो गया आप लोगों का शीन का आधा भाग उठा लिए, और शीन के नीचे क्या है, जेर तो है लेकिन ये जो बड़ी है इसको तो जोड़ना पड़ेगा ना शीन में, तो ये देखिए जुड़ गई अपना शक्ल चेंज करके, तो शीन के नीचे जेर और बड़ी जुड़कर शे और ये जो ख है पूरा का पूरा ये खे जाकर इसी तरह जुड़ जाएगी, तो देखिए शे और ख, शेख कितना आसानी से लिखा गया। आगे बढ़िए, पेट, पेट तो लिखना और भी ज़्यादा आसान है, पे है, प उर्दू में क्या कहते हैं, पे, तो पे के नीचे जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए, उसके बाद से ट है, ट उर्दू में टे कहते हैं, अब इन सबको जोड़ दीजिए। पे का आधा भाग उठा लेना है, उठा लिए, ठीक, पे के नीचे तो जेर है, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके इस तरह बदल जाएगी, तो पे के नीचे जेर बड़ी है जुड़कर पे और ये हो गया आप लोगों का टे से ट, तो पे और ट, पेट। आगे बढ़िए, रेट, रेट में सबसे पहला अक्षर क्या है, र, र उर्दू में रे कहते हैं, नीचे जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए, उसके बाद से ट है, ट उर्दू में टे कहते हैं, ठीक है, तो इनको भी देखिए रे जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए, रे के नीचे तो जेर है, बस ये जो बड़ी ये है इसका आधा भाग, मतलब ये जो अपना शक्ल चेंज करके इस तरह रूप ले लेगी और ये जो ट है ये पूरा का पूरा आकर इस तरह जुड़ जाएगा, तो रे के नीचे जेर और बड़ी जुड़कर रे और टे से ट, रेट। ठीक, आगे बढ़िए, देर, देर में सबसे पहला अक्षर क्या है, दे, दौ उर्दू में क्या कहते हैं, दाल कहते हैं, दे बनाने के लिए यानी कि एक मात्रा में बदलने के लिए दाल के नीचे जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे, उसके बाद से र है, र उर्दू में रे कहते हैं। ठीक, अब देखिए जोड़िए इन सबको, दाल जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए और दाल के नीचे जेर तो है ही है, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके ऐसा रूप ले लेगी, तो दाल के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर दे और उसके बाद से ये जो रे है पूरा का पूरा इसमें आकर ये में जुड़ जाएगी, तो देखिए दाल के नीचे जेर बड़ी जुड़कर, दाल के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर दे और रे से रा, ये हो गया आप लोगों का देर। ठीक, आगे बढ़िए, जेर, जेर, ठीक है, जेर हम लोग इसी को ना बोलते हैं, जो भी अक्षर के नीचे ये लगता है इसी को जेर कहते हैं, तो जेर अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए जेर में जो सबसे पहला अक्षर है वो है ज, वो भी नहीं तो नीचे बिंदु वाला ज, तो इसको कहते हैं जे, जे से ज हो गया, उसके बाद से इसको जे बनाने के लिए नीचे जेर लगाकर और बड़ी ये जोड़ दीजिए, उसके बाद से र, र उर्दू में रे कहते हैं, अब इन सबको जोड़ दीजिए। यहाँ पर जे जो है जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए, जे के नीचे तो जेर है, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करेगी और ऐसा रूप ले लेगी और इसी में जो है ना ये रे ऐसे आकर जुड़ जाएगी, तो देखिए जे के नीचे तो जेर है ही है और बड़ी ये जुड़कर जे और रे से रहा जेर। ठीक, आगे बढ़िए, फेल, फेल में सबसे पहला अक्षर क्या है, फे है, फौक उर्दू में क्या कहते हैं, फौक उर्दू में फे कहते हैं, और उसके बाद से इसको एक ही मात्रा में बदलने के लिए नीचे जेर लगाकर इसमें बड़ी ये जोड़ देंगे, फे हो जाएगा, और लॉ, लॉ उर्दू में लाम कहते हैं, अब इन सबको जोड़ दीजिए। फे का आधा भाग उठाना है, उठा लीजिए, फे का आधा भाग उठा लिए, और फे के नीचे क्या है, जेर तो है ही है, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके ऐसा रूप ले लेगी, तो फे के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर फे और ये जो लाम है जाकर ऐसे जुड़ जाएगा, तो फे और ला, फेल। देखिए कितना आसानी से लिखा गया फेल। आगे बढ़िए, पेश, पेश में सबसे पहला अक्षर क्या है, पे, पौ उर्दू में क्या कहते हैं, तो पे ही कहते हैं, और
उसके बाद से ए की मात्रा में बदलने के लिए जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे, और श है शाह को उर्दू में बड़ी शीन कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया आप लोगों का। अब इन सबको जोड़ दीजिए, पे का आधा भाग उठाना है उठा लीजिए, पे के नीचे क्या है, जेर तो है, बस ये जो बड़ी ये है इसको अपना शक्ल चेंज करेगी और इस तरह आकर जुड़ जाएगी, और ये जो शीन है ये भी पूरा का पूरा आकर इसी में ये में आकर ऐसे जुड़ जाएगी। देखिए एक दो तीन, एक दो तीन, तीन ठो नोक निकालना है, तो एक दो तीन, तीन ठो नोक निकल गया और ये ऊपर तीन ठो नुक्ता दे देना है। ठीक, तो ये हो गया आप लोगों का पे के नीचे जेर और बड़ी जुड़कर पे और सीन से सब पेश। इसको ज़रा मैं अच्छा से लिख दूँ, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। पे का ये आधा भाग हो गया, पे के नीचे क्या है, जेर है, और ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके जुड़ गई, और ये जो सीन है पूरा का पूरा आकर ऐसे जुड़ गई। तो ये हो गया आप लोगों का पेश। ठीक, अब आगे बढ़िए सेठ। सेठ में जो सबसे पहला अक्षर है वो है से, सौ को उर्दू में सीन कहते हैं, सीन से तो सौ हो गया, से बनाने के लिए सीन के नीचे जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे। उसके बाद से ट है, ट को उर्दू में टे कहते हैं। अब इन सबको जोड़िए, सीन का आधा भाग उठा लीजिए, ये हो गया सीन का आधा भाग, सीन के नीचे क्या है, जेर है, बस ये जो बड़ी ये है अपना शक्ल चेंज कर लेगी, तो सीन के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर से, और ये जो टे है पूरा का पूरा टे ले जाकर चिपका दीजिए। तो ये हो गया आप लोगों का सेठ। आगे बढ़िए गेट। जिस तरह सेठ लिखे उसी तरह गेट लिखेंगे। गाव उर्दू में क्या कहते हैं, गाफ कहते हैं, तो गाफ लिख दीजिए, गाफ से ग हो गया, नीचे जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए, गे हो जाएगा, और ट है, ट को उर्दू में टे कहते हैं। अब इन सबको भी जोड़ दीजिए, गाफ का आधा भाग उठा लीजिए, तो ये हो गया गाफ का आधा भाग उठा लिए, और गाफ के नीचे क्या है, जेर है, और इसी में बस आप लोग को बड़ी ये जोड़ देना है, तो बड़ी ये जो है अपना शक्ल चेंज करेगी और ये इस तरह रूप ले लेगी। तो गाफ के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़ कर गे, और ये जो ट है ट को उर्दू में टे कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गे और टा गेट। ठीक, अब देखिए, अब ये ऐसे शब्द हैं जिसके पहले वाले अक्षर में भी एक ही मात्रा है और दूसरे वाले अक्षर में भी एक ही मात्रा है। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे, चलिए समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो तेरे, तेरे में सबसे पहला अक्षर क्या है, ते, तो उर्दू में क्या कहते हैं, तो उर्दू में ते कहते हैं, तो लिख दीजिए, छोटा छोटा मैं लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, हो सकता है कि थोड़ा स्पेस कम पड़ जाए। ठीक है, तो ये हो गया ते से तो, ते यानी कि ए की मात्रा में बदलने के लिए ते के नीचे जेर जोड़ देंगे और बड़ी ये लगा देंगे। ठीक, और उसके बाद से रे है, रा को उर्दू में रे कहते हैं, रे के नीचे जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे। ठीक, अब इन सबको जोड़ दीजिए, तेरे आप आसानी से लिख लेंगे। देखिए ते का आधा भाग उठा लेना है। ठीक, ये हो गया आप लोगों का ते, ते के नीचे जेर तो है ही है लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके ऐसा रूप ले लेगी, तो ते के नीचे जेर बड़ी ये जुड़कर ते, और ये जो रे है इसी ये में आकर ऐसे जुड़ जाएगी। ठीक, तो रे के नीचे क्या है, जेर तो है ही है, बस ये जो बड़ी है आकर ऐसे चिपक जाएगी। ठीक, तो देखिए ते और रे, तेरे, कितना आसानी से लिखा गया। अब उसी तरह मेरे लिखेंगे, तेरे मेरे होता है ना, ये शब्द होता है। ठीक, तो मेरे को कैसे लिखेंगे, माँ है पहले, तो माँ को उर्दू में मीम कहते हैं, तो यहाँ पर मीम लिख दीजिए, मीम से माँ हो गया, मे बनाने के लिए जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे। उसके बाद तेरे है, रा को उर्दू में रे, और इसमें जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे। इसको भी आप आसानी से लिख लेंगे। देखिए मीम का आधा भाग उठा लीजिए, मीम का आधा भाग उठा लिए, मीम के नीचे क्या है, जेर है, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करेगी और ऐसा रूप धारण कर लेगी, तो मीम के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर मे, और ये जो रे है इसी ये में आकर ऐसे जुड़ जाएगी, और रे के नीचे क्या है, जेर है, बस ये जो बड़ी है रे के पास जाकर चिपक जाएगी। देखिए मे और रे, मेरे। आगे बढ़िए भले। देखिए ऐसा शब्द है जिसके सिर्फ लास्ट वाले अक्षर में एक ही मात्रा है, तो इसको कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहला अक्षर है भौ, भौ को उर्दू में क्या कहते हैं, जिस तरह बी से ब और बी एच से भ, उसी तरह उर्दू में बे से ब होता है, और इसी बे के आधे भाग में एच ले जाकर जोड़ दिया जाता है, तो ये पढ़ा जाता है भौ। तो ये हो गया भौ, और उसके बाद से ले है, लॉ को उर्दू में क्या कहते हैं, लॉ को उर्दू में लाम कहते हैं, लाम से ल हो गया, ले बनाने के लिए जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे। ठीक, जिस तरह भ लिखा है ना ये उसी तरह लिख देंगे आप लोग यहाँ पर। ठीक, ये हो गया भौ। अब ये जो लाम है, लाम का आधा भाग उठा लेना है, तो लाम का आधा भाग उठा लिए, लाम के नीचे तो जेर है, बस ये जो बड़ी ये है बस इसी लाम में ले जाकर ऐसे जोड़ देंगे। तो देखिए ये हो गया आप लोग का भ, और लाम के नीचे जेर तो है और इसी लाम में बड़ी ये जुड़ गया, तो भ और ले, भले। ठीक, आगे बढ़िए चले। चले कैसे लिखा जाएगा, चौ पहला अक्षर है ना, तो चौ को उर्दू में चे कहते हैं, जिस तरह भले लिखे उसी तरह चले लिखे, बस चौ आ गया है यहाँ पर। ठीक, और उसके बाद से ल, ल को उर्दू में क्या कहते हैं, लाम कहते हैं, ले बनाने के लिए जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे। ठीक, चे का आधा भाग उठा लीजिए, उठा लिए, ये हो गया आप लोगों का चे से चौ, और लाम का आधा भाग उठा लीजिए ऐसे, लाम के नीचे तो जेर है, बस ये बड़ी ये जो है ना जुड़ गई लाम में। ठीक, तो चौ और लाम में जेर और बड़ी ये जुड़ कर ले, तो चौ और ले, चले। आगे बढ़िए फले, ये भी आसान है, बहुत आसानी से आप लोग लिख लेंगे। देखिए फ उर्दू में क्या कहते हैं, जिस तरह पी से प और पी एच से फ, उसी तरह उर्दू में पे से प होता है इस तरह, और पे के आधे भाग को मिटाकर इसमें एच जोड़ दिया जाता है,
तो ये हो जाता है फ। तो ये हो गया आप लोग का फ और ले। लव उर्दू में क्या कहते हैं? लाम कहते हैं। ले बनाने के लिए जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे। अब इन सबको जोड़िए, ठीक है। देखिए फ का जिस तरह लिखा है फ उसी तरह लिख दीजिए। ये हो गया आप लोग का फ। और इसी का इसी में लाम का आधा भाग उठा लीजिए। लाम का आधा भाग उठा लिए। लाम के नीचे क्या है? जेर है। और इसी में जेर तो है, बस ये जो बड़ी ये है इसी लाम में ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए। तो देखिए फ और लाम के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर ले, तो फ ले फले, ठीक है। चले फले हो गया। अब आगे अगला अक्षर है झुके। झुके में सबसे पहला अक्षर क्या है? झू। झक उर्दू में क्या है? जिस तरह हिंदी में होता है जे से ज और जे एच से झ, उसी तरह उर्दू में होता है जिम से ज, जिम से ज। और इसी जिम में आधा भाग मिटाकर, इसी जिम का आधा भाग मिटाकर इसमें एच जोड़ देते हैं, तो ये होता है झ। तो ये तो झ हो गया, लेकिन यहाँ पर ऊ की मात्रा है ना, झू बनाना है, ऊ की मात्रा में बदलना है। तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ किसी भी अक्षर को ऊ की मात्रा में बदलना रहता है। तो पहले देखते हैं कि कौन सा वाला ऊ की मात्रा है। तो यहाँ पर देखिए छोटा वाला ऊ की मात्रा रहता है। तो जब छोटा वाला ऊ की मात्रा है ना, तो जब छोटा वाला ऊ की मात्रा रहता है तो हम लोग उस अक्षर के ऊपर सिर्फ पेश जोड़ देते हैं। तो ये हो गया झू। और के है, क को उर्दू में काफ कहते हैं। और के बनाने के लिए काफ के नीचे जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे। बस ये इन सब को जोड़ दीजिए, आप लोग झुके आसानी से लिख लेंगे। देखिए जिस तरह ये झू है, जिस तरह ये झ लिखा है उसी तरह लिख दीजिए। ये हो गया आप लोग का झ। और झ के ऊपर क्या है? पेश। लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, तो झ के ऊपर पेश जुड़कर झू हो गया। और काफ का ये आधा भाग उठा लीजिए, तो उठा लिए ये काफ का आधा भाग। और काफ के नीचे जेर है, लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो बड़ी है इसी काफ में ले जाकर जोड़ देंगे। तो देखिए झ के ऊपर क्या है? पेश है, तो झू। और काफ के नीचे जेर और बड़ी है जुड़ कर के, तो के। झू और के, झुके। ठीक, आगे बढ़िए। पले, पले में सबसे पहला अक्षर क्या है? प। प को उर्दू में पे कहते हैं, तो लिख दीजिए पे से तो प हो गया। ले है। ल को उर्दू में लाम कहते हैं, और लाम से ल हो गया। ले बनाने के लिए जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए। ठीक, पे का आधा भाग उठा लेना है आप लोगों को। पे का आधा भाग उठा लिए, पे से तो प हो गया। अब इसी में आप लोग लाम का आधा भाग ले जाकर ऐसे जोड़ देंगे। और लाम के नीचे क्या है? जेर है। बस इसी लाम में ये जो बड़ी है ले जाकर ऐसे जोड़ देना है। तो देखिए प और लाम में जेर और बड़ी ये जुड़ कर ले, तो प और ले पले। आगे बढ़िए बड़े, बड़े में सबसे पहला अक्षर क्या है? ब। ब को उर्दू में क्या कहते हैं? तो ब को उर्दू में कहते हैं बे, तो लिख दीजिए बे से ब हो गया। और रे, र को उर्दू में रे कहते हैं इस तरह, ठीक है। और इस रे से तो र हो गया, बस रे बनाने के लिए इसमें जेर जोड़ देंगे और बड़ी लगा देंगे, ठीक है। बे का आधा भाग उठा लीजिए, उठा लिए। और बे से तो ब हो गया, ये जो रे है इसी में ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए। रे के नीचे जेर है, बस इसमें बड़ी ये लगा दीजिए। तो ये हो गया ब और रे, बड़े, ठीक। आगे बढ़िए बढ़े, ये था बड़े और ये है बढ़े, ठीक। ये था बड़े और ये था बढ़े। तो देखिए यहाँ पर जो है ब, ब को उर्दू में तो बे कहेंगे, ये बे तो रहेगा ही। अब यहाँ पर ड था, अब यहाँ पर ढ है। तो जिस तरह यहाँ पर डे से ड हो रहा था, अब इसी डे में जो है ना आप एच जोड़ देंगे, ठीक। ये हे जोड़ देंगे, हे इसी तरह लिखा जाता है, ऐसे जिस तरह आप लोग दिल बनाते हैं ना उसी तरह बनता है हे, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का रे में एच यानी कि हाँ जुड़कर ढ, ये ढ हो गया, ठीक। बस ये ढ हो गया ना, इसको ढे बनाना है, तो इसके नीचे क्या करेंगे? जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे, तो ढे हो जाएगा। तो देखिए बे का आधा भाग उठा लीजिए, बे का आधा भाग उठा लिए, ब हो गया। और ये जो ढे है बस जिस तरह है उसी तरह लिख दीजिए, ऐसे इसी बे में ले जाकर ढे जोड़ दिए। अब ढ, ये तो बढ़ हो गया, बढ़े हम लोग को लिखना है ना, ये इसको रे से तो ढ हो गया, इसको ढ बनाने के लिए हे जोड़ना पड़ेगा ना, तो हे को इसी के पास लेकर चले जाइए। तो देखिए और ढ के नीचे क्या है? जेर है। तो बे से ब और ढ के नीचे जेर है, ठीक है। और उसके बाद से ये जो बड़ी ये है इसी को ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए इसी हे में। तो देखिए बे से ब और ढ के नीचे क्या है? जेर है। और उसी में बड़ी ये जुड़ गया, तो ढ के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर ढे, तो बढ़े, सिंपल। आगे बढ़िए गले, गले को उर्दू में क्या कहते हैं? ग को उर्दू में गाफ कहते हैं, गाफ से ग हो गया। ले है। ल को उर्दू में लाम कहते हैं, लिख दीजिए। और लाम से ल हो गया। ले बनाने के लिए जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए, ठीक। अब इन सबको जोड़िए। देखिए गाफ का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए। ये हो गया आप लोग का गाफ का आधा भाग। और ये जो सीधा वाला भाग है यहाँ पर कर्व हो जाएगा, गोल हो जाएगा, ठीक। और लाम का आधा भाग उठा लीजिए ऐसे, ठीक, ऐसे। लाम के नीचे क्या है? जेर है। बस इसमें बड़ी ये ले जाकर जोड़ दीजिए। तो देखिए गाफ से ग, लाम में लाम के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़ कर ले, तो ग और ले, गले। आगे बढ़िए मिले,
गले मिले, तो यहाँ पर मिले है ना, तो मी में सबसे पहला अक्षर क्या है, मिले में सबसे पहला अक्षर मी है। मौ को उर्दू में क्या कहते हैं, मीम कहते हैं। मीम से तो मौ हो गया। मी बनाने के लिए मैं आप लोगों को बताई हूँ, सबसे पहले देखा जाता है कि कौन सा वाले ई की मात्रा है, तो यहाँ पर मिले में छोटी वाली ई की मात्रा है, तो जब छोटी वाली ई की मात्रा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ उस अक्षर के नीचे जेर जोड़ देते हैं। तो मीम के नीचे जेर जोड़ दिए तो ये मी हो गया। उसके बाद से ले है, ला को उर्दू में लाम कहते हैं, लाम से ला हो गया। ले बनाने के लिए जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे। मीम है, मीम का ये आधा भाग उठा लीजिए, मीम का आधा भाग उठा लिए, और मीम के नीचे क्या है, जेर तो है लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, तो मीम के नीचे जेर लगकर ये हो गया मी। और उसके बाद से लाम का आधा भाग उठा लीजिए, लाम का आधा भाग उठा लिए, ठीक है, और लाम के नीचे जेर है, और उसके बाद से ये बड़ी ये ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए। तो मीम के नीचे जेर तो मी, और लाम के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर ले, तो मी और ले मिले। आगे बढ़िए, जूले। जौ को उर्दू में क्या कहते हैं, जौ को उर्दू में जिम कहते हैं, लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए जू है ना, ऊ की मात्रा है, तो देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर छोटा वाला ऊ की मात्रा है। तो जब छोटा वाला ऊ की मात्रा रहता है तो हम उस अक्षर के ऊपर क्या करते हैं, पेश सिर्फ जोड़ देते हैं, पेश। तो इस जिम के ऊपर जब आप लोग पेश इस तरह जोड़ देंगे तो जिम के ऊपर पेश जुड़कर जू हो जाएगा। और उसके बाद से ले है, लौ को उर्दू में लाम कहते हैं, लाम से ले बनाने के लिए जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे। जिम का आधा भाग उठाना है तो यहाँ पर जिम का आधा भाग उठा लीजिए, ठीक है। जिम के ऊपर क्या है, पेश है लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, तो जिम के ऊपर पेश जुड़कर जू, और ये जो लाम है, लाम का ये आधा भाग उठा लीजिए, लाम का आधा भाग उठा लिए, और लाम के नीचे क्या है, जेर तो है, बस ये जो बड़ी ये है ले जाकर इसी में जोड़ दीजिए ऐसे। तो देखिए जिम के ऊपर पेश जुड़कर जू, और लाम के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर ले, तो जू और ले झूले, तो मिले और झूले, मिले झूले, इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। तो इतने सारे दो अक्षर से मिलकर बने ए मात्रा वाले शब्दों को हम लोग कितना आसानी से उर्दू में पढ़ना और लिखना सीख गए, कितना आसान था। देखिए आई थिंक आप लोग को हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, ठीक। तो अब पता है आप लोग को क्या करना है, अब आप लोग का होमवर्क ये है कि आप लोग अपना नोटबुक उठाएँ, मतलब अपना जो कॉपी है उठाए, कलम ले, और दो अक्षर से मिलकर बने ए मात्रा वाले शब्दों को पहले हिंदी में लिख ले। जिस तरह मैं सबसे पहले हिंदी में लिखी थी उसी तरह आप लोग खुद से सोचे, दो अक्षर से बने ए मात्रा वाले शब्द हिंदी में, नया नया शब्द सोचे और हिंदी में लिख ले, और फिर आप लोग को उसको उर्दू में लिख कर और पढ़कर प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए उर्दू में लिखकर और पढ़कर। कहीं पर भी उर्दू लिखा हुआ देखिए उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए और ज़्यादातर लिखने की कोशिश कीजिए, तो इस तरह आप लोग बहुत जल्द उर्दू सीख जाएंगे, ठीक। तो आई थिंक आप लोग को हर एक चीज़ समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो इससे रिलेटेड आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। बाकी मैं आप लोग को जो कुछ भी समझाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक तो बनता है, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो, और उसके बाद से चारों तरफ शेयर कर दीजिए अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना है, उससे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।